नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये खंड शिक्षा अधिकारी का 41वां टेस्ट सीरीज है। यह 41वां टेस्ट सीरीज है। यह जो भी सीरीज आप लोग को मिल रही है, यह खंड शिक्षा अधिकारी के लिए ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश पीसीएस, बिहार पीसीएस, झारखंड पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, टीजीटी पीजीटी या किसी भी एक दूसरी परीक्षा के लिए आप सभी के लिए रामबाण साबित होगी। 22 मार्च को खंड शिक्षा अधिकारी है, तो उसके लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न नंबर 31 देखिएगा, यह सब सल्तनत काल के प्रश्न है। सल्तनत काल के कुल 190 प्रश्न है जो सीरीज के माध्यम से आप लोग को दिया जा रहा है और यह 41वां सीरीज है। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया? तो कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया था? वह है लाहौर। लाहौर विकल्प ए जो है वह सही है। प्रश्न नंबर 32 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति के चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? इब्न बतूता, वर्नी, बुदाइनी या फिर अमीर खुसरो, किसने किया है? तो यह भयानक चित्रण किया है इब्न बतूता ने। तो विकल्प ए जो है सही है। प्रश्न नंबर 33 देखिएगा, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, अकबर और बाबर। तो भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी। तो विकल्प ए जो है सही है। प्रश्न नंबर 34 देखिएगा, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? इक्तादारी प्रथा किसने चलाई थी? विकल्प ए है फिरोज तुगलक, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है इल्तुतमिश, डी है गयासुद्दीन तुगलक। तो देखिए, इक्तादारी प्रथा चलाया था इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाया था। विकल्प सी जो है सही है, इल्तुतमिश ने चलाया था। प्रश्न नंबर 35 देखिएगा, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन, ऐबक और इल्तुतमिश। तो देखिए, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। तो विकल्प सी जो है वह सही है। प्रश्न नंबर 36 देखिएगा, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? मलिक खान सरखेल या सिपहसालार। तो देखिए, 13वीं सदी में जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे खान कहते थे। तो विकल्प बी जो है वह सही है। प्रश्न नंबर 37 देखिएगा, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कैकुबाद या आराम शाह। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो विकल्प ए जो है वह सही है। प्रश्न नंबर 38 देखिएगा, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा कराया था? कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य था उसको प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इस कार्य को पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। विकल्प सी जो है वह सही है। प्रश्न नंबर 39 देखिएगा, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मलिक तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। दिल्ली का जो पहला तुगलक सुल्तान था वह था गयासुद्दीन तुगलक। विकल्प ए जो है वह सही है। प्रश्न नंबर 40 देखिएगा, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? बसुमित्र ने, कल्लर ने, जयपाल ने या महिपाल ने। तो देखिए, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को स्थापित करने वाला था कल्लर। तो विकल्प बी जो है वह सही है। प्रश्न नंबर 41 देखिएगा, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? बाबर का, इब्राहिम लोदी का, बहलोल लोदी का, जलालुद्दीन खिलजी का। मतलब यह वाक्य जो कहा गया है किसके बारे में कहा गया है? तो यह वाक्य कहा गया है बहलोल लोदी के बारे में। विकल्प सी जो है वह सही है। प्रश्न नंबर 38 देखिएगा, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अलबरूनी जो था एक इतिहासकार था, एक विदेशी यात्री था जो भारत में आया था। तो वह किसके शासनकाल में इतिहासकार था? मोहम्मद गजनवी, बलबन, अकबर या मोहम्मद बिन तुगलक। तो यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, उसके काल में यह इतिहासकार था। तो विकल्प ए जो है वह सही है। प्रश्न नंबर 43 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देखिए, इसमें निजामुद्दीन औलिया जो था एक सूफी संत। मलिक काफूर जो था इसको हजार दिनारी कहते थे क्योंकि 1000 दिनार में इसको खरीदा गया था। अलादीन खिलजी जो था इसने नियंत्रित दाम एवं राशन की शुरुआत की थी। मतलब बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलादीन खिलजी ने किया था।
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था वह दास राजवंश से संबंधित था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था वह दास राजवंश से संबंधित था, मतलब गुलाम वंश का शासक था। तो इस तरह से आप लोग सुमिलित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 44 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश, हुमायूं, अकबर और शाहजहां। तो इसको तो आप लोग जानते होंगे, गुलाम राजवंश से संबंधित है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश विकल्प ए जो है सही है। प्रश्न नंबर 45 देखिएगा, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? हुमायूं, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए, इब्न बतूता जो था मोरक्को का एक विदेशी यात्री था, दक्षिण अफ्रीका का था, और वह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। विकल्प सी जो है सही है। प्रश्न नंबर 46 देखिएगा, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 12 बार, 15 बार, 17 बार या 18 बार। तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। 17 बार आक्रमण किए थे, 17 बार। तो विकल्प सी जो है वह सही है। प्रश्न नंबर 47 देखिएगा, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इल्तुतमिश, सलाहुद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी या मुबारक शाह खिलजी। तो स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला शासक था मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। मतलब विकल्प डी जो है वह सही है। प्रश्न नंबर 48 देखिएगा, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या इनमें से कोई नहीं। तो लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी को लोदी वंश का संस्थापक कहते हैं। तो विकल्प सी जो है सही है। प्रश्न नंबर 49 देखिएगा, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? शेर शाह सूरी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने या अलाउद्दीन खिलजी ने। तो देखिए, बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की जो शुरुआत करने वाला था यह अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प डी जो है सही है। प्रश्न नंबर 50 देखिएगा, राज संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? राज संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिरोज शाह तुगलक ने या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, उलेमा के दखल का विरोध करने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प बी जो है सही है, अलाउद्दीन खिलजी था। प्रश्न नंबर 51 देखिएगा, अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो अलबरूनी ने एक पुस्तक लिखा था जिसे किताबुल हिंद या तारीख उल हिंद कहते हैं। तो यह किन विषयों की समीक्षा की गई है? इसमें भारतीय गणित, भारतीय इतिहास व भूगोल, खगोल विज्ञान व दर्शन या इनमें से सभी। तो देखिए, इसमें इनमें से सभी होगा, क्योंकि किताबुल हिंद जो था अलबरूनी ने लिखा था, जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, उसने भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, भारतीय खगोल विज्ञान, दर्शन सभी का वर्णन अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में किया है। तो इनमें से सभी, तो विकल्प डी जो होगा सही होगा। प्रश्न नंबर 52 देखिएगा, अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद, अबू अब्दुल्लाह अली गुरसास या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अलबरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद ही इसका पूरा नाम था। प्रश्न नंबर 53 देखिएगा, अलबरूनी के अनुसार अंत्यज वर्ग में शामिल कौन था? मतलब अंत्यज का मतलब होता है चतुह वर्ग के नीचे का वर्ग। तो अलबरूनी के अनुसार अंत्यज वर्ग में कौन शामिल था? तो विकल्प ए देखिएगा, धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाला। धोबी, मोची, जादूगर, डालिया और ढाल बनाने वाला, या फिर यहाँ पर देखिए, नाविक, मछुआ, ब्याद या जुलाहा, ए और बी दोनों। तो देखिए, ए और बी दोनों होगा। तो इसमें होगा ए और बी दोनों, विकल्प सी जो होगा सही होगा। धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाले, नाविक, मछुआ, ब्याद व जुलाहा सभी का जो वर्णन होता है अंत्यज वर्ग में शामिल थे अलबरूनी के अनुसार। प्रश्न नंबर 54 देखिएगा, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहते हैं? विकल्प ए है किताब उल हिंद, बी है रेहला, सी है तारीख़े यामिनी या इनमें से कोई नहीं, डी। तो देखिए, 11वीं सदी में भारत का दर्पण कहते हैं किताब उल हिंद को। किताब उल हिंद को भारत का दर्पण कहते हैं। तो विकल्प ए जो होगा सही होगा। प्रश्न नंबर 55 देखिएगा, बहिंद का युद्ध जो 1008-09 में हुआ था, बहिंद का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? तो देखिए, बहिंद का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? विकल्प ए मोहम्मद गजनवी और आनंदपाल, मोहम्मद गजनवी और जयपाल, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान या मोहम्मद गौरी जयचंद। जो बहिंद का युद्ध लड़ा गया था यह महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच में लड़ा गया था 1008-09 में। बहिंद का युद्ध लड़ा गया था महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच में 1008-09 में। मतलब विकल्प ए जो है वह सही है।
प्रश्न नंबर 56 देखिएगा, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अपनी अस्थाई सेना रखी थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलादीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी? वह शासक था अलादीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी विकल्प सी जो होगा सही होगा। प्रश्न नंबर 57 देखिएगा, सुल्तान अलादीन खिलजी बाबत संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो बाबत संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, अलादीन खिलजी ने अनाज दाम नियत किए गए थे। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया था। तो देखिए, यह दोनों बातें तो सही हैं। 3 देखिएगा, अलादीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था, इनमें से कौन कथन सही है? तो देखिए, तीनों कथन सही हैं अपनी जगह, तीनों कथन सही हैं, एकदम सही हैं। तो ये है विकल्प डी देखिएगा, सभी सही हैं, सभी सही हैं। तो विकल्प डी जो होगा सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 58 देखिएगा, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया था? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, खिजर खान सैयद या सिकंदर लोदी। तो देखिए, तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार करने वाला था खिजर खान सैयद, खिजर खान सैयद। तो विकल्प सी जो होगा सही होगा। प्रश्न नंबर 59 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? इब्न बतूता, जियाउद्दीन बरनी या सी है शमसे सिराज अफीफ या डी है सिकंदर लोदी। तो देखिए, गुलरुखी के नाम से उपनाम से कविता लिखने वाला था सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। तो विकल्प डी जो होगा वह सही होगा। प्रश्न नंबर 60 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? विकल्प ए है, इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया। कौन सा कथन सही है ये पूछना है। तो देखिए, इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया। विकल्प ए तो सही है। 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली के सुल्तान बने, यह भी सही है। सी देखिएगा, उसने हबसी सरदार मलिक याकूत को नायब मामलिकात के पद पर नियुक्त किया, यह भी सही है। डी देखिएगा, रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया, जबकि यह सही नहीं है। रजिया ने गैर तुर्की सामंत वर्ग को शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की थी, तुर्कों की नहीं गैर तुर्कों की। तो और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया, उसने तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बनाया था, मतलब यह सीधे उल्टा लिख दिया है। तो विकल्प डी जो है यही असत्य है, बाकी तीनों जो कथन है वह सही हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। और सल्तनत काल में कुल 190 प्रश्न हैं जो सीरीज के माध्यम से आप लोग को दिया जा रहा है। इसके पहले जो भी सिंधु घाटी सभ्यता या वैदिक काल, मौर्य काल, मरुत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, ये सभी कंप्लीट हो चुका है। राजपुताना काल भी कंप्लीट हो चुका है। कुल इसमें सल्तनत काल में 190 प्रश्न है और 33 प्रश्न करके 5 सीरीज में इसको कंप्लीट करते हैं और यह 41वां सीरीज है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो इसका PDF भी आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।